तो से मांग लीजिए, मैं उधर भी क्लास में लगा लूँ। अखिल की पेन। अरे जो आंसर की डाला वो सीक्वेंस ऊपर नीचे है। अच्छा नंबर लेके तो मैंने बोल कर दिया वो बच्चों ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। कर लिए कर लिए कर लिए। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। फॉर्मूले बता दिए थे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के। ये सर उसका सेकंड अप्रोक्सीमेशन भी बता दिया था। अच्छा कोई डेरिवेशन नहीं करवा था? एलएन वाला डेरिवेशन करवा दिया था। एलएन टी माइनस टी। यस सर। ठीक है चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक बॉडी है जिसका इनिशियल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, 50 से 40 में आने में उसको 10 मिनट का टाइम लग रहा है, तो 40 टू 30 डिग्री सेल्सियस तक आने में कितना टाइम लगेगा? डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है।
देखिए फॉर्मूला है एल एन टी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई टी आई माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी. ठीक है, अगर फर्स्ट वाले केस में देखें तो केस वन में एल एन टी कितने टेम्परेचर पे पहुंच चुका है, 40 डिग्री सेल्सियस. 40 माइनस टी नॉट 20 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई टी इनिशियल, इनिशियल टेम्परेचर कितना था 50 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस के टी, मतलब कि माइनस 10 के. ये पहली इक्वेशन. सेकेंड केस क्या है, एल एन टी माइनस टी नॉट कितने टेम्परेचर तक पहुंच चुका है, 30 माइनस टी नॉट 20 डिवाइडेड बाई टी इनिशियल, कितना इनिशियल टेम्परेचर था 40 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस के टी. सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 कर दीजिए, के कैंसिल हो जाएगा, टी के टर्म में आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सॉल्व. सॉल्व हो जाएगा ना? यस सर. फिफ्टी से 40 डिग्री सेल्सियस में 2 मिनट का टाइम लग रहा है, तो 46 डिग्री सेल्सियस तक आने में कितना टाइम लगेगा. यहाँ पे हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे. लास्ट टाइम में बताया था अगर वेरिएशन हमारा अप टू 5 डिग्री सेल्सियस तक है तो हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेशन से निकालेंगे, बट डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दीजिए. कल फिजिक्स की क्लास नहीं होगी आपकी, केमिस्ट्री होगी 10 to 1. ठीक है, और परसों केमिस्ट्री नहीं होगी, फिजिक्स होगी 10 to 1. आ गया सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट बस फॉर्मूला पुट करना आपको. टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, टी इनिशियल कितना है 50 माइनस 48 डिवाइडेड बाय टी, टी कितना दिया हुआ है 2 मिनट्स इज इक्वल टू के. टी एवरेज, टी एवरेज कितना है 48 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 माइनस टी नॉट 20 डिग्री सेल्सियस. ये पहली इक्वेशन. दूसरी इक्वेशन t initial minus t final divided by 2, sorry t निकालना आपको, is equal to k t average 48 plus 46 divided by 2 minus t naught. ये second equation. first divided by 2 कर दीजिए,
टी अननोन में निकल जाएगा, के के कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखिए स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। अब जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, अभी आप लोगों ने देखा था कि जो हम लोग ये पार्ट पढ़ रहे हैं, ये सब पूरा पार्ट किस में आ रहा है आपका, रेडिएशन में। मैंने कहा कि कोई भी बॉडी है, जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने कहा कि एक आपके पास आयरन बार है, उसको आप लोग क्या करें, हीट सप्लाई कर रहे हैं। अगर आयरन बार को मैं कंटिन्यूसली हीट सप्लाई करूं तो कुछ देर के बाद वो आपका रॉड हॉट आयरन बार में कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में, ठीक है। तो अगर मैं आयरन को कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई कर रहा हूँ और कुछ देर के बाद वो क्या होगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग कई बार देखते हैं, आपने देखा होगा। सिंपल आयरन को मैं बहुत ज्यादा गर्म कर दूं तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जब मोल्टन स्टेट से जस्ट पहले, ठीक है। तो अगर आपका आयरन बार रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं अभी लाइट में खड़ा हूँ और मैंने रेड कलर का टी शर्ट पहना हुआ, तो आपको वो नजर आएगा कि हाँ रेड कलर का टी शर्ट है, ठीक है। अब अगर वही मैं यहाँ पे बिल्कुल डार्क रूम में खड़ा हो जाऊं, तो आप लोग उस चीज को देख नहीं पाएंगे कि हाँ ये रेड कलर है कि नहीं, ठीक। तो उसका कारण यही है कि यहाँ पे कोई भी लाइट मेरे ऊपर नहीं पड़ रही है जो कि मेरे से रिफ्लेक्ट होकर आपके आईज तक जा सके। मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को क्यों देख पाता हूँ, क्योंकि व्हाइट लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिरेगी तो वहां से टकरा के वो मेरी आंखों पे आता है, ठीक है। अगर किसी बॉडी पे व्हाइट लाइट गिर रही है और वहां पर रिफ्लेक्शन ना हो, सिंपल क्या हो, ट्रांसमिशन, तो मैं उस बॉडी को नहीं देख सकता, जिसको इनविजिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। मैं सिंपल सा बात करूं, जैसे कि मान लीजिए कि अब सेकंड एग्जांपल मैंने लिया कि मैंने एक रेड हॉट आयरन बार लिया, अगर उस चीज को अगर मैं डार्क रूम में रखूं तो मेरे को वो तब भी नजर आता है कि हाँ वो रेड कलर का, डार्क रूम रखने के बावजूद। उसमें कारण क्या होता है, वो क्यों नजर आ रहा है, ड्यू टू रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन के कारण जो लाइट्स हैं वो आपकी आंखों पर पड़ रही है, ठीक। अब रेडिएशन के कारण वो आपको रेड कलर का नजर आ रहा है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, जैसे कि रेड हॉट आयरन बार है, तो वो रेडिएशन कर रहा है। अगर रेडिएशन कर रहा है तो उसमें जो वेवलेंथ मौजूद है वो सिर्फ रेड कलर वाली वेवलेंथ मौजूद है कि सभी वेवलेंथ मौजूद है, सभी का मतलब व्हाइट लाइट के सभी, पक्का? मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? रेड हॉट आयरन बार है, मेरे को रेड कलर का नजर आ रहा है, ठीक। रेडिएशन हो रहा है, रेडिएशन के कारण मेरे को रेड कलर नजर आ रहा है। मैंने कहा कि रेडिएशन हो रहा है और रेड कलर नजर आ रहा है, इसका मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ रेड कलर वाले वेवलेंथ मौजूद है क्या? ये सभी है, सभी का मतलब जो विजिबल रीजन है, ये इसके अलावा भी है। रेड कलर वाले एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी रेडिएशन होता है तो उसमें सभी वेवलेंथ मौजूद होते हैं, जीरो से लेके इंफिनिटी तक, कोई सभी रेडिएशन हो, ठीक है। अगर मेरे बॉडी टेम्परेचर के कारण रेडिएशन हो रहा है तो यहां पे भी सभी वेवलेंथ मौजूद हैं, जीरो से लेके इंफिनिटी तक। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे रेड हॉट आयरन बार के बारे में बात कर रहा हूं, वहां पे भी जो वेवलेंथ मौजूद है वो जीरो से लेकर इंफिनिटी तक मौजूद है उसमें, लेकिन जो रेड कलर वाला था उसके पास एनर्जी ज्यादा है,
सिंपल सा लॉजिकली सोचिए कि मैंने कहा कि जो रेड हॉट आयरन बार है उसमें से जो एनर्जी निकल रही है वो 100 जूल है। टोटल एनर्जी की बात करो उसकी इमिसिव पावर कितनी है 100 जूल। इमिसिव पावर का मतलब ये था कि टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो मैंने कहा कि उसकी जो टोटल एनर्जी रेडिएटेड है वो कितनी है आपकी 100 जूल। अब इस 100 जूल में सभी वेवलेंथ मौजूद थे, 100 जूल जीरो से लेके इंफिनिटी तक जितने वेवलेंथ थे सब इसके पास गया, बोला कि मेरे को एनर्जी दे दो, ठीक है। तो इसने हर एक वेवलेंथ को एनर्जी दे दी, लेकिन जो रेड वाला था उसने कहा कि मैं तो सबसे ज्यादा लूंगा। तो रेड वाले वेवलेंथ ने कितनी एनर्जी ले ली, मैंने कहा कि 90 जूल एनर्जी उसी के पास है, और जो बची हुई 10 जूल है वो जीरो से इंफिनिटी तक सबने बांट लिया आपस में, एनर्जी पूरी डिस्ट्रीब्यूट हुई है जीरो से लेकर इंफिनिटी वेवलेंथ सबने, लेकिन रेड वाले के पास सबसे ज्यादा है। तो जिसके पास सबसे ज्यादा होता है वही मेरा बाहर निकल रहा है, तो अगर ये आपके विजिबल रीजन में होगा तो मैं उसको देख पाऊंगा, और ये मेरे को नजर आ भी रहा है क्योंकि रेड कलर विजिबल रीजन में आता है, ठीक है। और जिसके पास एनर्जी भी सबसे ज्यादा थी, तीसरी ये मेरे को रेड कलर नजर आता है और दूसरे कलर से आपको नजर नहीं आ रही। आया समझ में? तो अगर कोई सा भी रेडिएशन होता है तो उसमें जीरो से लेकर इंफिनिटी तक सभी वेवलेंथ मौजूद होते हैं, कोई सा भी रेडिएशन हो। अब जिसके वेवलेंथ की एनर्जी कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा अगर वो विजिबल रीजन में होगा तो मेरे को नजर आएगा, अदरवाइज नजर नहीं आएगा। मेरे बॉडी से भी रेडिएशन हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि मेरे बॉडी से जो मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब कि मैक्सिमम एनर्जी कैरिंग वाला जो वेवलेंथ होगा वो विजिबल रीजन में ना लाई कर रहा हो, इसलिए मैं मेरे बॉडी से जो रेडिएशन हो रहा है मैं उसको ना देख पा रहा हूँ। आ रहा है समझ में? लिख लीजिए इसको, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सर एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो। शॉर्ट में ये अभी आप लोग नीट का पेपर देने वाले हैं, नीट वालों ने कहा है कि मैं तो 0 से लेकर 720 तक नंबर आप लोगों को दूंगा, ठीक है। तो उसमें से कुछ एक ही स्टूडेंट होंगे जिसके 720 नंबर है, जिसके पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी है, वो पूरी दुनिया को नजर आएगा पेपर के जरिए, ठीक है, एडवर्टीजमेंट के जरिए, ठीक है, क्योंकि वो विजिबल रीजन में। उसके बाद 0 से लेकर 720 तक पूरे बढ़ गए हैं 12 लाख 14 लाख स्टूडेंट, किसी के एक नंबर है, किसी के 2 नंबर, किसी के नेगेटिव। आगे समझिए, यही है स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। आया भावना? यस सर आ गया। तो सही से नोट कीजिएगा, बहुत बार नीट के क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है यहाँ से, वो सेंटेंस में फंस जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मेरे को E लैम्डा को रिप्रेजेंट करना है, बिल्कुल मैथ्स बेसिक मैथ्स पे आते हैं, हम लोग बात करते हैं कि मेरे को अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात करना है, मतलब कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल की स्पीड कितनी है, अगर उसको दिखाना है तो मैं क्या लिखता हूँ, dx/dt। टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट ले लेता हूँ, इसका मतलब मैं उस इंस्टेंट पे पहुंच जाता हूँ, ठीक है। हमे को क्या करना है, किसी पर्टिकुलर लैम्डा के करस्पॉन्डिंग कितनी इमिसिव पावर है उसी को कहते हैं स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, हर एक लैम्डा के करस्पॉन्डिंग इमिसिव पावर, ठीक है।
तो अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर लैम्डा के बारे में बात करना है तो मैं क्या लिखूंगा, डीई अपॉन डी लैम्डा, लैम्डा का वेरिएशन इतना छोटा कर दूं कि किसी पर्टिकुलर लैम्डा पे पहुंच जाऊं, टाइम का वेरिएशन इतना छोटा कर दूं कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम पे पहुंच जाऊं, थोड़ा सा कोरिलेट कीजिए तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ ये कैसे लिखा। ठीक है, तो ई लैम्डा इज इक्वल टू डीई डिवाइडेड बाई डीई, डीई के मिसिंग पावर है, स्मॉल मिसिंग पावर। आ गया समझ में? अब आपने क्या किया, ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, तो आपने कहा कि जो 100 जूल था वो जीरो से लेके इंफिनिटी तक जितने लैम्डा हैं हर एक के पास डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हर एक के पास अलग अलग एनर्जी है। तो मैंने कहा कि हर एक के पास अलग अलग एनर्जी है और जिस लैम्डा के पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी है उसको मैं लैम्डा एम कहूंगा, और ये अगर लैम्डा एम विजिबल रीजन में लाइक करेगा तो वो मेरे को नजर आएगा, अदरवाइज नजर नहीं आएगा। इस कर्व का अगर मैं एरिया निकालूं, इस कर्व का अगर मैं एरिया निकालूं तो मैथमेटिकली एरिया को लिख सकता हूं वाई डी एक्स, ये लिखूंगा ना, याद कीजिए हम लोग ऐसे ही कर्व पढ़ते आ रहे हैं। तो मेरे से पूछा कि एरिया अंडर द कर्व, तो मैंने इसको लिखा इंटीग्रेशन ऑफ ई लैम्डा डी लैम्डा, ये मेरे को क्या देगा सोच के बताइए। टोटल इमिसिव पावर, ई लैम्डा डी लैम्डा, तो इसका मतलब ये देखिए यहां पे ध्यान से, डीई इज इक्वल टू ई लैम्डा डी लैम्डा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो इंटीग्रेशन ये देखो क्या देगा, टोटल इमिसिव पावर। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व ई लैम्डा लैम्डा गिव्स इमिसिव पावर। नोट कर लिए? यस सर। अब देखिए विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ में इन्होंने क्या किया, बॉडी के एक बॉडी ली, कोई सी भी एक बॉडी ली, इसमें टेम्परेचर वेरिएशन किया,
पहले एक्सपेरिमेंट किया मैंने कहा 10 डिग्री सेल्सियस पे, फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट किया 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि हर एक टेम्परेचर पे इन्होंने क्या किया, लैम्डा एम और टी का रिलेशन निकाला, हर एक टेम्परेचर पर लैम्डा एम निकाला, क्योंकि अभी आपने देखा था कि ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ किया था तो किसी पर्टिकुलर लैम्डा पे मेरे को मैक्सिमम एनर्जी करस्पॉन्डिंग मिल रही थी, उसी को मैंने लैम्डा एम कहा था। अब इन्होंने क्या किया, कोई भी एक बॉडी ली और उसमें हर एक अलग अलग टेम्परेचर पे लैम्डा एम की वैल्यू निकाली, ठीक है, 10 डिग्री पे निकाला लैम्डा एम कितना आएगा, 20 पे निकाला, 30 पे निकाला, 40 पे निकाला, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक। तो उन्होंने एक चीज पाया कि लैम्डा एम इंटू टी हमेशा कॉन्स्टेंट मिल रहा है, अगर लैम्डा एम इंटू टी अगर हमेशा कांस्टेंट मिल रहा है और आपने कहा कि ये किसी पर्टिकुलर टी वन टेम्परेचर पे किया था आपने, अब मैं टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज करूं तो लैम्डा एम क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है। तो आपने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये टी टू टेम्परेचर पे है, टी टू इज ग्रेटर देन टी वन, टेम्परेचर पे इंक्रीज कर रहे हैं तो लैम्डा एम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसी को कहा डिस्प्लेसमेंट लॉ, मतलब कि जो लैम्डा एम की पोजीशन है वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जा रही है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, इसलिए इसका नाम पड़ा विल्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था। अगर टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन T1 है तो कौन सा लैम्डा बड़ा होगा, फर्स्ट और सेकेंड, ये मान लीजिए फर्स्ट है और ये सेकेंड है, लैम्डा वन विल बी ग्रेटर देन लैम्डा टू, क्लियर है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसके बाद थर्मो पढ़ाऊंगा, क्योंकि थर्मो में बहुत सारे टर्म्स आते हैं जो कि केटीजी से ही रिलेट होते हैं। तो थर्मल प्रॉपर्टी के जो आपके डाउट हैं, परसों का टाइम दे रहा हूं क्योंकि 3 घंटे का लेक्चर है अप्रोक्स, 1 बजे तक है, ठीक है, तो आराम से डाउट भी पूछ सकते हो, उसको मैं आगे कंटिन्यू भी कर लूंगा लेक्चर, ठीक है। तो प्लीज थर्मल प्रॉपर्टी के क्वेश्चन कर लीजिएगा, जिससे 3 घंटे की क्लास रखी है, क्योंकि जिन लोगों को आदत है ना गायब होने की, क्या डाउट सेशन आज तो क्लास होगी नहीं, तो आज मैं आऊंगा ही नहीं, तो वो मेरे पे डिपेंड करेगा 3 घंटे में किस समय डाउट लूंगा मैं, देखूंगा शुरुआत में बच्चे नहीं है तो शुरुआत में पढ़ा दूंगा, फिर बीच में डाउट स्टार्ट कर दूंगा, जिस समय स्ट्रेंथ कम होगी उस समय पढ़ा दूंगा, इससे बचा के रखा हूं, क्योंकि उस दिन मेरे को थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करना है। आज तो सिर्फ बच्चों वाली चीजें बताऊंगा, मेन तो बताऊंगा फ्राइडे को, मतलब कि परसों थर्सडे को, मतलब कि नुकसान हो तो थोड़ा अच्छा हो, थ्योरी थ्योरी का नुकसान है तो आप खुद ही पढ़ लेंगे बुक से। देखिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन, अगर यहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, जो कि आपको केमिस्ट्री में बहुत पढ़ते, आपने लिख दिया टोटल मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू आर इनटू टी, नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है। अब टोटल मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आपको क्या देगा, डेंसिटी, ठीक। तो आप लोग
पावर सॉरी प्रेशर इज इक्वल टू रू आर टी बाई एम, ये भी जानते हैं। अगर मैं और लिखूं तो पी डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू आर टी बाई एम, ठीक है। देखिए केटीजी में सबसे ज्यादा आप लोग बोलेंगे केमिस्ट्री का छोटा सा पार्ट है और पूरी केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, प्रेशर वेरिएशन विथ हाइट, ये पहला क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, ये एम्स में पूछा था, ठीक। कि जो एयर प्रेशर है जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो एयर प्रेशर बताइए इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? डिक्रीज होता है सर। कैसे डिक्रीज होता है? हाइपरबोलिक, ठीक है, लीनियर, एक्सपोनेंशियल, कौन सा कर्व फॉलो करता है डिक्रीज होते हुए? तो हाइपरबोलिक आंसर है, एक्सपोनेंशियली लिख लीजिए। जैसे जैसे हम लोग ऊपर हायर एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ते हैं प्रेशर डिक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली। अभी हम लोग प्रूफ करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जो आपने पढ़ा है उसी को बस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, कम से कम आंसर लिख लीजिए जरूर कि ऊपर जाते रहते एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है प्रेशर। मान लीजिए ये पूरे एयर पार्टिकल्स हैं चारों तरफ फैले हुए, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे प्रेशर मान लिया आपने कितना है, पी नॉट है, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूं तो आपका प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक। अब मैंने यहां पे कोई सा भी एक एयर का लेयर मान लिया, ये एयर का लेयर है जिसकी थिकनेस कितनी है डी वाई, और ये कितनी हाइट पे है वाई हाइट पे है, इमेजिन कर पा रहे हैं? मैं क्या हो रहा हूं कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूं तो मैंने मान लिया कि एक डी वाई थिकनेस का एयर का लेयर है, एयर का लेयर है चारों तरफ, ठीक है, और इसकी थिकनेस कितनी है डी वाई है। अब अगर यहां पे एयर है तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये एयर अप एंड डाउन मूव करता रहता है, या ऐसा होता है? पक्का? वो तब होता है जब आप लोग रेनी सीजन इन सब के बारे में बात करें, जो आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि प्रेशर डिफरेंस होता है तो हायर एयर पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं और लाइटर वाले ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एटमोसफेयर में बात करें, मान लीजिए अर्थ है, अर्थ को चारों तरफ से एयर ने घेर के रखा हुआ है, ठीक है, तो ये नहीं कि ये थोड़ी देर एयर वाला पार्टिकल्स यहाँ पे बोलेगा मैं थोड़ा सा टहल के आता हूँ, मैं बाहर चला जाता हूँ, तुम लोग अंदर आ जाते, वहीं पर रहता है। अर्थ का क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स भी है, ठीक है, तो इसका मूवमेंट अप एंड डाउन हमेशा नहीं, तो वो कब होता है जब आपका प्रेशर डिफरेंस बन जाता है, वो नेचर के कारण जब प्रेशर डिफरेंस होता है तो एयर आपके ब्लो करने लग जाते हैं, वो अलग केस है, मैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैं भी नॉर्मल वेदर के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ और हाइट के हिसाब से मैं वेरिएशन देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं हाइट के हिसाब से वेरिएशन देखना चाह रहा हूँ तो आपने कहा कि एयर का ये जो लेयर है ये इसी पोजिशन पे है, ठीक, तो इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। अगर प्रेशर मतलब कि फोर्स डिफरेंस होगा, या तो ऊपर मूव करेगा या तो नीचे मूव करेगा,
तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल वेदर कंडीशन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए। अगर मैं इस पे देखूं तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, एक तो एमजी कर रहा होगा एयर का, ये जो नीचे वाले एयर पार्टिकल्स हैं ये इसको ऊपर प्रेशर लगा रहे होंगे ऊपर की तरफ, जो ऊपर वाले एयर पार्टिकल्स हैं ये इस पे प्रेशर लगा रहे होंगे नीचे की तरफ। ठीक, आपने मान लिया इस वाले पॉइंट पे प्रेशर है पी नीचे वाले पॉइंट पे, और ऊपर वाले पॉइंट पे प्रेशर है पी प्लस डीपी, स्मॉल चेंज इन प्रेशर, ऊपर जाता हूं प्रेशर चेंज हो रहा है, मैंने कहा कि डीवाई थिकनेस पे गया तो प्रेशर कितना चेंज हो गया डीपी। ठीक, तो ऊपर से कितना लग रहा होगा फोर्स, प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स तो यही होता है ना। मैंने मान लिया कि जो एयर का लेयर बना हुआ है उसके एरिया कैपिटल ए है, नीचे से कितना लग रहा होगा फोर्स, प्रेशर इनटू एरिया, नेट फोर्स कितना होना चाहिए जीरो, इसका मतलब पी प्लस डी पी इंटू ए प्लस एम जी इज इक्वल टू पी इंटू ए। ठीक, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, पहले यहां तक नोट कर लीजिए थोड़ा, उसके बाद मेरे से कई सारे पॉइंट्स भूल जाएंगे। ये क्वेश्चन एम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर नीट में बाय चांस आता है तो बस इतना याद रखेगा कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। एम्स ने इसका रिजल्ट पूछा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या आता है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। नोट कर लिया? यस सर। तो देखिए नेट फोर्स, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, पी ए प्लस डी पी इंटू ए प्लस एम जी, एम जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, एयर की डेंसिटी आपने रो मान ली, इस स्मॉल डी वाई का वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू थिकनेस, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इज इक्वल टू पी इंटू ए। तो देखिए पी ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से डी पी और ए कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, डी पी इज इक्वल टू माइनस रो जी डी वाई, ये आ रहा है। अब रो को अभी आप लोग क्या लिख सकते, अभी बताया था पी वी या पी पी इज इक्वल टू रो आर टी बाई एन, यह भी लिखा था। तो यहां पे अगर डेंसिटी को देखूं तो डेंसिटी इज इक्वल टू लिख सकते हैं पी एम डिवाइडेड बाई आर टी, ये वैल्यू यहां पे पुट करिए डेंसिटी, पी हो जाएगा डी पी इज इक्वल टू माइनस पी एम डिवाइडेड बाई आर टी इंटू जी डी वाई। तो डी पी डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू माइनस एम जी डिवाइडेड बाई आर टी इंटू डी वाई, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। आपने कहा कि ग्राउंड पे है तो ग्राउंड पे प्रेशर पी नॉट है, किसी वाई हाइट पे चले गए या एच हाइट पे चले गए
तो प्रेशर कितना हो गया पी। तो ये रिजल्ट देखिए क्या आ रहे हैं, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स, तो ये हो जाएगा एल एन पी डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू माइनस एम जी डिवाइडेड बाई आर टी एच। तो यहां से पी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एम जी डिवाइडेड बाई आर टी इंटू एच इंटू पी नॉट। ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो प्रेशर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, ई की पावर माइनस टी आर माइनस एच आर सॉरी ई की पावर माइनस एच, हाइट के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये रिजल्ट पूछा था। नोट कर लिए, लिखे केटीजी के एजम्पशंस क्या क्या है, लिखे एजम्पशंस। फर्स्ट पॉइंट, फॉर वन गैस we consider all particles are identical, we consider all particles are identical. Second, for monoatomic gas all particles are spherical, all particles are spherical. Next, we consider no interaction between two particles of gases. So potential energy is assumed to be zero. Hence, total internal energy is equal to kinetic energy. Next. Sir, please repeat. Total internal energy is equal to kinetic energy of gas. All collisions are considered to be elastic between particles or between particles and wall of container, between particles
और बिटवीन पार्टिकल एंड वॉल ऑफ कंटेनर. नेक्स्ट PV इज इक्वल टू एन आर टी. ये V क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. क्या बोला रे? बोले कंटेनर. बोले फ्री स्पेस. V है आपका वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस. वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस. सिंस वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, सिंस वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल are very small in comparison to container's volume, so volume of particle is assumed to be zero or negligible. Volume of particle is assumed to be zero. Hence, volume of free space is equal to volume of container. Clear ये point? क्योंकि जितने भी individual particles हैं gas के, उसका volume container के volume के comparison में negligible है. ठीक है? इसलिए कंटेनर के रेस्पेक्ट में हम लोग पार्टिकल्स के वॉल्यूम को नेगलेक्ट कर सकते हैं. अगर उसको मैं नेगलेक्ट कर दूं तो फ्री स्पेस का मतलब क्या हो गया? कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल. आगे समझ में? नेक्स्ट दो भी नेक्स्ट पॉइंट है. अब देखें, अगर मान लीजिए कि एक कंटेनर है, यहां पे मैं किसी भी पार्टिकल को थ्रो करूं. अगर मैं पार्टिकल को थ्रो कर रहा हूं तो वो कैसा करेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, मैं किसी भी पार्टिकल को अगर वी वेलोसिटी दे दूं तो क्या करता है? प्रोजेक्टाइल मोशन देता है. ऐसा क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लगता है, इसलिए इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन देता है. ठीक, लेकिन गैसियस पार्टिकल्स में हम लोग मानते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट चला गया, ये जंक्शन है, ये आपका डेविएट नहीं हुआ, तो इसका मतलब नो डेविएशन. ऐसा क्यों? एक तो पहला पॉइंट ये बताया गया कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल का जो मास है वो इतना स्मॉल है जिसके कारण ग्रेविटेशनल पुल की वैल्यू बहुत कम है, अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल या जीरो. ठीक है, इसके कारण डेविएशन नहीं हो रहा. और दूसरा एक्सपेक्ट क्या हो सकता है इसी चीज को समझने का, जैसे सिंपल से एग्जांपल लूं, एक बॉल को मैं थ्रो करूं तो वो ऐसे प्रोजेक्टाइल ले सकता है. अगर मैं बुलेट यहां से फायर करूं तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली मूव करेगा. इसका मतलब वी इज वेरी हाई. ठीक है, तो गैसेस पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है इंडिविजुअल पार्टिकल की वो क्या है? बहुत हाई है, इसलिए ग्रेविटेशनल पुल का कोई फर्क नहीं पड़ता. लिख लीजिए दोनों पॉइंट इसी में.
पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, एन को लिखा टोटल मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास आर टी। टोटल मास को आपने क्या लिखा, मान लिया कि इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कैपिटल एन, ठीक है, कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और एक पार्टिकल का मास कितना है आपका स्मॉल एम, तो टोटल मास में एन इंटू एम लिख सकता हूँ, ठीक। तो ये आपने टोटल मास लिखा, ये मॉलिकुलर मास इंटू आर टी, तो यहां से आपने निकाला एन अपॉन वी, मतलब कि नंबर डेंसिटी, एन अपॉन वी इज इक्वल टू पी एम डिवाइडेड बाय ये आएगा, ये आ रहा है, ये एन अपॉन वी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब ये क्या है, नंबर डेंसिटी, ये नंबर डेंसिटी। मेरा क्वेश्चन ये है जो एग्जाम में भी पूछा गया कि ये जो नंबर डेंसिटी है फॉर एन आइडियल गैस, ये हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, या मॉडरेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फॉर एन आइडियल गैस नंबर डेंसिटी शुड बी हाई, शुड बी लो और मॉडरेट। लो क्यों? सही है, आगे बोलिए, एक ही जगह क्यों अटक गए? पूरे जंक्शन इसी पे बेस्ड है, जितने पॉइंट्स लिखवाए अभी आप लोगों को, ध्यान से देखिए, अभी हम लोगों ने जितने पॉइंट्स लिखे सब इसी पे बेस्ड है, कि मैंने इंट्रैक्शन नहीं कहा था, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को ही मैंने फेज बेस्ड वॉल्यूम मान लिया था, ग्रेविटेशन फोर्स को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया था, ये सब जितने भी चीजें। तो यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ कि नंबर डेंसिटी की वैल्यू लो है, ठीक है, नंबर डेंसिटी लो कब होगा, जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, तो वॉल्यूम किस चीज का बता रहा है, ये कंटेनर का, ठीक है। अगर फ्री स्पेस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं हर एक के बीच में डिस्टेंस सेपरेशन बहुत ज्यादा, ठीक, सेपरेशन बहुत ज्यादा होगा तभी दोनों के बीच में इंटरेक्शन फोर्स नहीं होगा। अगर मैं दो पार्टिकल्स को बहुत पास ले आऊं तो इंटरेक्शन फोर्स तो एक्ट करेगा ही करेगा, अगर दूर दूर है तो इंटरेक्शन फोर्स नहीं, ठीक। तो अगर यहाँ पे आपने कहा वॉल्यूम ज्यादा है तो इंट्रैक्शन फोर्स कम होगा, इंट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेग्लिजिबल, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, ठीक है। फ्री स्पेस के कारण जितने अजम्पशन पड़े हैं वो आइडियल गैस में तभी वैलिड है जब फ्री स्पेस किसके इक्वल हो, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अब वो कब एप्लीकेबल होगा, जब डेंसिटी क्या हो, लो, क्लियर है। तो लिख लीजिएगा एन अपॉन बी, ये जो रेशियो है ये क्या होने चाहिए, वेरी लो for an ideal gas. नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर ड्यू टू गैस, प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर देखिए प्रेशर कितना होता है, P इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री रो वी आर एम एस स्क्वायर, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसका डेरिवेशन ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको देखते हुए मेरे को क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, मेरे को पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, इसको याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यही होगा, एम यहां पे क्या है, टोटल मास, टोटल मास, ठीक है। मेरे को कोई भी चैम्बर है
वहां पे मैंने कहा कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हर एक पार्टिकल के मास को ऐड कर दिया तो वो एम्प्टी है, ठीक। और वीआरएमएस बता रहे थे कि हाँ उन सबका रूट मीन स्क्वायर एवरेज वेलोसिटी कितनी, ठीक। तो यहाँ पे मेरे को अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो सिंपल हाफ एम वी स्क्वायर, वी क्या होगा आरएमएस स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को यहां से काइनेटिक एनर्जी तक पहुंचना है तो थोड़ा सा देखिए यहां पे मैं क्या लिखूंगा, डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं आप लोग, मास अपॉन वॉल्यूम, मास मतलब टोटल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही होगा ना। अब वॉल्यूम को इधर लेके तो पीवी इज इक्वल टू 1/3 टोटल मास इनटू वी आरएमएस स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे आपने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, ये क्या है टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो आपने इसको लिखा पीवी इज इक्वल टू क्या होता है एनआरटी, तो एन आर टी इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 एन आर टी, अच्छा ये बताइए ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, जितने भी डेरिवेशन हम लोग केटीजी में करेंगे सब और सब किसके लिए करेंगे, मोनो एटॉमिक गैस। अभी आगे चल के जनरलाइज करवाऊंगा, नोट कर लिए। आपने लिखा प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर, तो यहां से 3P/ρ अंडर रूट इज इक्वल टू वी आर एम एस, ठीक है। मेरा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, मैंने कहा कि अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं तो वी आर एम एस इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा या कांट से एनीथिंग, कांस्टेंट क्यों, मैंने टेम्परेचर कहीं पे क्वेश्चन में मेंशन किया है क्या, अपने मन से मान लेंगे। मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मेरे को यहां पे टेम्परेचर के बारे में कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन में कि वो कांस्टेंट है कि वेरी कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं कि ये कितना आ गया 3P/ρ, अभी आपने देखा था P/ρ को मैं क्या लिख सकता हूँ RT/M स्टार्टिंग में बताया था, तो अगर यहाँ पे मैं VRMS देखूं तो VRMS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3RT/M, R गैसेस कांस्टेंट, M मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, T टेम्परेचर। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो जो RMS वेलोसिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक। प्रेशर को इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में डेंसिटी भी है, अगर प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो हो सकता है डेंसिटी भी इंक्रीज कर रही हो, प्रेशर डिक्रीज करूंगा तो डेंसिटी भी डिक्रीज होगी, लेकिन ये पूरा का पूरा टर्म किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। और मैंने क्वेश्चन में बताया टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, ये क्वेश्चन एम्स ने पूछा था, अब नीट का बता दो नीट ने क्या पूछा था, नीट ने तो सिंपल टेम्परेचर दे दिया था उसके बाद पूछा था, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर को मैं कितना भी वेरी करता हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या आ जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे जब एम्स ने क्वेश्चन पूछा उसने सिंपल ये लिखा था कि प्रेशर को अगर मैं इंक्रीज करूँ तो आरएमएस वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर के बारे में कुछ भी डेटा मेरे पास नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकता कि क्या होने वाला है,
इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, ये सिंपल आपका क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे हमेशा ध्यान में रखिएगा ये क्या है, मॉलिकुलर मास, और मॉलिकुलर मास किस में होना चाहिए, केजी पर मोल में, ठीक है। वैसे यहाँ पे आप लोग एमयू ग्राम में लिखते हैं ना, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय याद रखिएगा कि केजी पर मोल में होना चाहिए ये, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल होते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, बस हम लोग यहीं पे छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं और कुछ नहीं, केजी पर मोल में होना चाहिए। अब देखिए मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, हम लोग पढ़ते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और हम लोग पढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले तो याद होंगे, हाँ, रूट थीटा आर टी बाय पाई एम, नहीं सर 2 आर टी बाय पाई एम, अंडर रूट 2 आर टी बाय एम। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 आर टी बाय एम, और वी एवरेज थीटा आर टी बाय पाई एम, ए आर टी बाय पाई एम। किसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होता है, फिर एवरेज, एवरेज का तो प्रॉब्लम है, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, मेरे को इसका सिग्निफिकेंस बताना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या वेलोसिटी है क्या, ये क्या बता रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिस वेलोसिटी से चल रहे हैं। बिल्कुल सही, जैसे कि मैंने कहा कि मान लीजिए क्योंकि चैम्बर है जहां पे 100 नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसमें आपके जो 30 पार्टिकल्स हैं वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, और जो 10 पार्टिकल्स हैं वो आपके 50 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, और जो 60 पार्टिकल्स हैं वो आपके 100 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जिनकी स्पीड सेम है उसी को हम लोग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। मतलब कि सेम स्पीड वाले कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनकी स्पीड सेम है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। यही मैक्सवेल, किसने बताया था, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ने बताया था ये चीज, क्योंकि एक बार एम्स ने इसके साइंटिस्ट के नाम भी पूछा था किसने बताया था ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बारे में। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ थ्योरी स्टार्ट करेंगे और केटीजी खत्म, डाउट और थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मल प्रॉपर्टी कर लीजिएगा, इसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, वो लगभग 5-4 लेक्चर लग जाएंगे आपके। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एसएचएम एंड वेव, SHN, वेव और वेव ऑप्टिक्स तीनों साथ में पढ़ाऊंगा, ठीक, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बाद ग्रेविटेशन, ठीक है। और कोई डेट आई आप लोगों की एग्जाम की, कुछ नहीं, अभी टेंटेटिव ही चल रहा है। 10-15 डेज में बोला उन्होंने, वो कंसीडर कर रहे हैं कि दो बार कराएं पेपर, अगर पॉजिटिव रिप्लाई आ रहा है उस पे कि दो बार करना है। अच्छा चलिए, अगर दो बार भी होता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे ध्यान दीजिएगा, आप तो यही मान के चलेगा कि पहले अटेम्प्ट ही है, अगर दूसरे अटेम्प्ट के भरोसे बैठे होंगे तो 90% स्टूडेंट उसी के अटेम्प्ट के भरोसे बैठेंगे। तो जो क्वालिफाई करते हैं ना अच्छे रैंक से वो पहले अटेम्प्ट भी निकालते हैं, सेकेंड रैंक में प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है अच्छा स्कोर करना, ठीक है। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कम मिलेंगे, जिनकी तैयारी नहीं होगी ना पहले अटेम्प्ट नहीं देगा, वो टाइम पास के लिए देगा। इसे पहले बता रहा होगा, दो अटेम्प्ट अगर हो जाता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट आप लोगों के लिए स्कोरिंग होगा, जेई में यही होता है,
जो जैन में अटेम्प्ट होता है वो स्कोरिंग होता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होते हैं। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा भी हो तो उसमें से 2-4 लाख स्टूडेंट तो ऐसे सिर्फ अपियर होने के लिए बैठते हैं, क्या क्वेश्चन पेपर कैसा है बस ये देखने के लिए, ठीक है। दो अटेम्प्ट जिस दिन न्यूज डिक्लेयर करेगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ गिने चुने स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंट बैठेंगे, सब सेकंड स्टूडेंट सेकंड प्रिपरेशन में लग जाएंगे कि सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी में अच्छे से करूंगा, ठीक है। चलो थैंक यू सर। केमिस्ट्री की क्लास है ना अभी? हाँ हाँ अभी है।